नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अभिषेक आप सभी से नमस्कार करता हूं और आज आपको आप सभी का एप भी लाइव सेशन में हम आपका स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि जिस समय में जो परिस्थितियां हैं, जो इस समय का माहौल है, उसमें आप सभी अपने आप को स्वस्थ रख रहे होंगे और जो भी समाज में जागरूकता फैलाने के लिए जो भी आवश्यक चीज़ें हैं वो आप सभी कर रहे होंगे। तो चूंकि आज का हमारा विषय है, जैसा कि थोड़ी देर पहले कुछ आज की मॉर्निंग में मैंने साझा भी किया था आप सबके बीच में, कि हम लोग टेक्नोलॉजी को अपने आयुर्वेद की प्रैक्टिस में किस तरह से यूज कर सकते हैं, इसके विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि हम सभी जान रहे हैं कि अभी शहरों में लॉकडाउन हो रहा है, देश के कई हिस्सों में जो है लॉकडाउन की वजह से हम एक दूसरे को कम्युनिकेट ही कर पा रहे हैं और आना जाना जो है लगभग पूरी तरह से बंद है, और चूँकि हम सबके हेल्थ के लिए भी ये आवश्यक है, तो इस तरह की स्थितियाँ वैसे तो आज तक कभी नहीं बनी हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है कि हम उसके माध्यम से भी एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सकते हैं और एक दूसरे के बीच में जो है हम पहुँच सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस में, अपने आयुर्वेद की बिजनेस में उस सारी चीज़ों का यूज करके हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी पे आज हम लोग जो है इस सेशन में चर्चा करेंगे और आप सभी के कोई अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस भी हो तो यहाँ पे आप लोग ज़रूर डालें, और कोई भी क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से रिलेटेड हो, कोई आपकी क्वेरीज हो, तो वो आप हमसे ज़रूर पूछें। इसमें सबसे पहले तो मैं एक ये चीज़ बताना चाहूँगा आप सभी को कि निरोग स्ट्रीट की ओर से हम लोगों ने टेक्नोलॉजी के जो टूल बनाए हैं वो सारे टूल जो हैं ऑनलाइन अवेलेबल रहते हैं। जैसे कि हमारा एक, आप सभी जानते हो कि हमारा एक निरोग स्ट्रीट करके ऐप है, तो वो ऐप आप लोग ऑनलाइन हमारे गूगल प्ले स्टोर से जाके हमारे ऐप को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो उस ऐप के थ्रू आप लोग जो है अपनी क्लिनिकल डिस्कशन, लर्निंग, अपनी नॉलेज को शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने वेद टूल करके सॉफ्टवेयर बनाया है, इसके विषय में भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले तो इस चुनौती के समझते हैं कि ये चुनौतियाँ किस तरह की आती हैं और इनके समाधान पे हम लोग जो है कुछ चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि लॉकडाउन है, हम लोग ज़्यादातर अपने पेशेंट्स के अपॉइंटमेंट जो हैं पोस्टपोन कर रहे हैं या उनको शेड्यूल कर दे रहे हैं आगे की डेट्स में। तो ऐसी स्थिति जब बनती है तो इस तरह की स्थिति में सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि अब हमारा मरीज, ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसी डिसीज में हो कि उसको ट्रीटमेंट जो है कुछ दिन हम अवॉइड कर सकें, डिले कर सकें, या सिर्फ इस कंडीशन के अलावा भी कई बार होता है कि हमारे बहुत से पेशेंट बाहर के होते हैं, अलग अलग शहरों से हमारे से आते हैं इलाज कराने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, और हम उन लोगों को कई बार होता है कि कम्युनिकेट कर पाते हैं, कई बार होता है हम कहीं खुद भी होते हैं, वो पेशेंट्स जो होते हैं खुद कई बार ट्रैवलिंग में होते हैं, तो वो हम लोगों से मेडिसिन वगैरह जो है फ्रिक्वेंटली जो है ले नहीं पाते हैं, फ़ोन पे हमें फिर कंसल्ट करना होता है। तो अपने सेटअप को हम लोग जो है, अपने क्लिनिक को, अपने बिजनेस को, अपने इन सारी चीज़ों को हम लोग कैसे इन्हेंस कर सकते हैं, कैसे इस सारी चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं, तो इसी पे आज मेरा सेशन है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को ये सेशन जो है पसंद आएगा, और कोई भी आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हों, क्वेरीज हों, तो वो आप लोग ज़रूर यहाँ पे डालिएगा, जिससे कि हम लोग जो है आपके उन क्वेश्चंस के, क्वेरीज के आपको जो है आंसर कर सके। तो शुरुआत करता हूँ मैं। तो जैसा कि अभी मैंने कुछ बताया कि हम लोगों को जब कभी भी पेशेंट आते हैं तो चैलेंज ये होता है। अब आयुर्वेद में एक दो चीज़ें और भी हैं कि कही जाते हैं कि दर्शन, स्पर्शन, प्रश्न, ये तीन चीज़ों के बिना जो है चिकित्सा जो है अधूरी होती है। तो वैसे भी ये सत्य बात है कि इसके बिना चिकित्सा अधूरी होती है, लेकिन टेलीफोनिक कंसल्टेंसी एक ऐसी चीज़ है कि हम लोग उसको फिर भी जो है आजकल जैसे एक वीडियो ऑप्शन है, हम लोग ऑनलाइन जो है वीडियो चैट कर सकते हैं, कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं, जैसे गूगल हैंगआउट एक अच्छा ऑप्शन है, इसके अलावा स्काइप वीडियोस के थ्रू हम लोग जो है कॉलिंग कर सकते हैं, फेसबुक भी एक अलग माध्यम है, तो ये या व्हाट्सएप पे भी वीडियो कॉल आजकल अवेलेबल है। तो इस तरह की चीज़ों से हम लोग जो है वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं और अपने पेशेंट्स से डिस्कशन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, उनकी चीज़ों को थोड़ा और बेहतर भी में समझ सकते हैं। यही इलाज का तरीका नहीं होना चाहिए, इलाज के लिए तो हमें फिजिकली मिलना ही सबसे बेहतर होता है, लेकिन किस तरह की कंडीशंस हैं, चूँकि जैसे आज इस समय की कंडीशन है, या कई बार होता है रोगी हमारे तक नहीं आ पाता, देश के बाहर के कुछ लोग कम्युनिकेट करते हैं या देश के दूसरे शहरों के लोग कम्युनिकेट करते हैं जो एकदम से नहीं आ सकते, तो बेसिक आइडिया लेके उन्हें क्या बेहतर से बेहतर सजेस्ट किया जा सकता है, तो उसमें हम लोग जो है उसमें अपनी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके उन सारी चीज़ों को जो है हम लोग उसमें अडॉप्शन कर सकते हैं। अब पहला सबसे बड़ा चैलेंज आता है हम डॉक्टरों के लिए कि मेडिसन्स, तो उन डॉक्टर पेशेंट्स को मेडिसन्स कैसे पहुंचाई जाएँ। अब मेडिसन्स पहुंचाने के दो तीन रास्ते होते हैं हमारे पास कि हम कुरियर करते हैं,
कुरियर करने में भी हम लोगों को फिर वो पैकेट पहले पैक करना है, पैकेट पैक करके उनको जो है मेडिसिन को भेजना है, और उसमें एक टाइम भी जाता है, कॉस्ट भी आती है। तो इस तरह की चीज़ों में कई बार होता है कि हम सभी लोग उसको आसानी से सहजता से नहीं कर पाते हैं। तो इसका एक बेहतर तरीका ये होता है कि हम लोग जो है मेडिसिंस के लिए निरोग स्ट्रीट की ओर से एक हम लोग शुरू कर रहे हैं कि डॉक्टर्स अपने जो हैं वो उस पेशेंट से पहले ट्रीटमेंट सजेस्ट कर लें, उनका सारा हिस्ट्री डिटेल्स ले लें, अपने सॉफ्टवेयर में उनकी पूरी डिटेल्स ऐड कर लें, और उसके बाद जो है उसका प्रिस्क्रिप्शन तैयार करके वो यहीं पे ऑर्डर प्लेस कर पाएंगे। और आगे हम उनको पेशेंट्स को जिस डिस्काउंट पे जो पेशेंट्स को वो देना चाहते हैं, जिस कॉस्ट पे वो भेजना चाहते हैं, वो मेडिसिन यहाँ से भेजने की व्यवस्था भी हम लोग एक करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि हमारे डॉक्टर्स के लिए एक सुविधाजनक हो। और कई ऐसे भी रोगी होते हैं जो एक बार हमें आके दिखा जाते हैं, अब दोबारा बार बार उनको दूर से आना कई बार होता है, मुश्किल होता है, उन्हें स्वास्थ्य में लाभ भी हो रहा होता है, ऐसे रोगियों को भी बार बार दवाइयाँ हमें जो है भेजनी पड़ती हैं। तो इस कंडीशन में भी जो है हम लोगों के पास ये विकल्प रहता है कि हम लोग उन्हें कुरियर वगैरह कर लें, लेकिन कुरियर वगैरह भेजना भी कई बार बहुत चैलेंजिंग होता है। आजकल एक और अलग तरह की परंपरा शुरू हुई है कुरियर में कि हम लोग जो है COD का जो है ऑप्शन, कैश ऑन डिलीवरी एक ऑप्शन होता है, तो कैश ऑन डिलीवरी के थ्रू जो है हम लोग मेडिसिन जो है भेज सकते हैं। तो उसमें हम लोग बेसिकली हर कोई नहीं भेज सकता, कैश ऑन डिलीवरी का जो फीचर है वो सभी के लिए बेसिकली सहज नहीं है, क्योंकि उसमें आपके पास अगर डेली के 40-50 ऑर्डर नहीं है तो कुरियर वाले आपके ऑर्डर को COD नहीं ले जाते। तो उसका एक और विकल्प है कि पोस्ट ऑफिस में एक BPP करके ऑप्शन होता है, वैल्यू पोस्ट पार्सल करके एक होता है। तो वैल्यू पोस्ट पार्सल में जो है हम लोग जाके अपने पेशेंट्स को मेडिसिन जो है वो भेज सकते हैं। इसमें क्या होता है कि मेडिसिन का पैकेट बना के पोस्ट ऑफिस में जाके सबमिट कर लें, BPP का ऑप्शन आपको चूज करना होता है, इसका छोटा सा फॉर्म होता है, तो जितना भी आप लोगों का अमाउंट होता है उस अमाउंट का वो आपको भेज देना है, और बाद में वो पोस्टमैन आपके पैसे को लाके आपको भेज देगा। हालांकि अभी उसमें भी एक पोस्ट ऑफिस की ओर से एक प्रक्रिया स्टार्ट हुई है कि वो पहले एक परमिशन लेनी पड़ती है और उसके बाद ही आप BPP भेज सकते हैं। तो उसमें कोई ऑर्डर लिमिट नहीं होती कि आपको डेली 10-5-50 पार्सल भेजने ही आवश्यक हैं, तो आप एक दो भी कभी हफ्ते में एक आध बार भेजते हैं, तो इस तरह की इस फैसिलिटी के थ्रू आप जो है ऐसा कर सकते हैं। तो एक ये विकल्प है। दूसरा विकल्प हम लोग ने, जैसे मैंने बताया कि NirogStreet ने भी एक अभी हम लोग जो है तैयारी कर रहे हैं, तो आपके कोई भी पेशेंट जो आपने देख लिए हैं, उन्हें कोई मेडिसिन कंसल्ट की है, सजेस्ट की है, तो वो भी आप यहाँ पे सिंपली ऑर्डर प्लेस करके उस पेशेंट को हम डायरेक्टली उसके एड्रेस पे जो है वो भेज देंगे, और आपका जो उसमें प्रॉफिट है वो आप तक वो ऑटोमेटिकली पहुँच जाएगा। तो ये व्यवस्था हम लोग उसमें कर रहे हैं। दूसरा है कि अब अपने टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हम लोग अपनी चीज़ों को कैसे एनहेंस करें और क्यों एनहेंस करें, ये एक बहुत आवश्यक इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है कि इसके बिना प्रयोग के आज के डेट में लगभग सर्वाइव करना ही मुश्किल है। और दूसरा है कि हमारे बिजनेस की ग्रोथ में भी आज की डेट में टेक्नोलॉजी एक बहुत अहम भूमिका अपनाती है। ऑनलाइन जो पेशेंट्स हैं, आजकल लोग ऑनलाइन सर्च करके डॉक्टर्स को, उनके रिव्यूज़ को, उनके सेंटर्स की डिटेल को, उनके फीडबैक्स को, वो सारी चीज़ों को देखकर ही वो है जो डॉक्टर के पास जाते हैं आजकल, जो टेक्नोलॉजी को थोड़ा बहुत समझने लगे हैं। इवन टेक्नोलॉजी का तो ये हो गया है कि हम लोग भी अगर कुछ परचेज करना चाहते हैं तो ऑनलाइन हम उसको कई बार देख लेते हैं और चीज़ समझ आ जाती है तो हम मंगा भी लेते हैं। तो यही चीज़ हमारे सिस्टम में भी है कि हेल्थ केयर सेक्टर में भी हमारे लिए चुनौतियाँ बढ़ गई हैं, तो हमें ऑनलाइन अपनी विजिबिलिटी जो है वो बहुत आवश्यक है। तो ऑनलाइन विजिबिलिटी का अब तरीका क्या है, या तो हम अपना खुद का कुछ एक बना लें और उसमें लग जाएं और उसको लगातार लगे रहें, तो ये डॉक्टर के लिए बहुत कठिन है और बहुत कॉस्टली भी होता है। तो इसमें सबसे कॉस्टली बात ये है, कठिन बात और कॉस्टली बात ये है कि अगर हमने अपनी एक वेबसाइट बनाई, उसके लिए हमें एक एजेंसी हायर करनी होगी, उस एजेंसी को हमें एक रेगुलर बेसिस पे कॉस्ट देनी होती है, फिर वो अपना ऑनलाइन प्रमोशन मार्केटिंग वो लगातार करता है, और उसके बाद भी कई बार ऐसा होता है कि आपके रिस्पॉन्सेज नहीं आते, क्योंकि दुनिया में लाखों करोड़ों वेबसाइट हो चुके हैं, हर व्यक्ति की एक खुद की एक प्लेटफॉर्म है, फेसबुक पेज है या कुछ ना कुछ है जिससे वो रीच करने की कोशिश करते हैं। इतनी बड़ी भीड़ में आप अलग दिखें, इतनी बड़ी भीड़ में आप ज़्यादा से ज़्यादा रीच कर सकें, ये एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो ऑनलाइन कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं, कुछ शब्द होते हैं, जैसे कि SEO करके एक होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एक SEM करके होता है, एक PPC होता है, पे पर क्लिक होता है, तो ऐसी कई सारी चीज़ें होती है, एक एडवर्ड होता है कि आपका जो वेबसाइट है या आपका कोई पेज है तो उस पर आपको वो लिंक कर दिया जाता है, जिससे कि डायरेक्ट पब्लिक जो है आपको टॉप पर देख पाती है और वो सीधा आपके
ऊपर देख के आपके रीच को जो है वो आप यूज कर सकते हैं और आपके पास वो पहुंच सकते हैं, कंसल्ट करा सकते हैं। तो ये हम लोग एक अपने एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग के पार्ट में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। NirogStreet इसमें ये काम कर रहा है कि वर्तमान में हमने कुछ 170 के करीब सेंटर जो हैं सर्टिफाई कर दिए और कुछ 27 सेंटर ऐसे हैं जिनकी प्रक्रियाएं जो हैं प्रोसेस में हैं, तो लगभग 197 सेंटर्स हमारे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। तो उसमें हम अपने डॉक्टर्स को एक व्यवस्था देते हैं कि उनकी प्रोफाइलिंग, उनकी ऑनलाइन लिस्टिंग, उनकी प्रॉपर गूगल मैपिंग, ये सारी चीज़ें हम अपने से करते हैं और इसका कोई कॉस्ट नहीं लेते हैं। इसके अलावा वो जो डॉक्टर्स जो थोड़ा एक्टिव हैं अपने यहाँ पे सही ढंग से, वो सारी चीज़ों को सही ढंग से करते हैं, उन डॉक्टर्स के लिए हम एक प्रॉपर मार्केटिंग करते हैं जिसमें हम फेसबुक वगैरह से, गूगल के थ्रू या इंटरनेट के अन्य माध्यमों के थ्रू हम उनके लिए लीड जनरेट करते हैं जो उन तक पहुंचती हैं और उससे उनको एक डायरेक्ट पे कम्युनिकेशन होता है। प्लस इसके अलावा उनके भी खुद अगर कोई लिंक्स हैं, पेजेस हैं, वीडियोज़ हैं या कोई ब्लॉग आर्टिकल हैं, उनको भी हम लोग इन्हेंस करते हैं, पुश प्रमोट करते हैं, जिससे उनकी रीच लगातार जो है बढ़ती है और पेशेंट्स के बीच में उनकी विजिबिलिटी भी बढ़ती है और ऑब्वियसली उससे बिजनेस ग्रोथ भी होता है। तो ये कुछ तरीके हैं। इसके अलावा है कि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा डॉक्यूमेंटेशन। हमारे आयुर्वेद में हम लोग आज जैसे कोरोना जैसी एक महामारी फैली हुई है और आयुर्वेद के लोगों को कोई पूछ ही नहीं रहा है, इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि हमारा एक डॉक्यूमेंटेशन जो है वो या तो है नहीं, और है तो वो इस तरह का नहीं है, वो कोई भी लौंग, इलायची, अदरक और इस तरह की चीज़ें जो हैं फेसबुक पे बता दे रहे हैं या उन्हें कि इम्यूनिटी के लिए आप ये खा लो, गिलोय खा लो, वो खा लो। एक्चुअल में हम लोग एक सिस्टमाइज वे में अपने सिस्टम को प्रेजेंट ही नहीं करते हैं, जिसका एक नुकसान ये उठाना पड़ता है कि हमें सीरियसली कोई ले ही नहीं रहा है। और इवन हमारे जो डिपार्टमेंट हैं, हालांकि उनका भी कुछ इसमें दोष है, वो एक अलग विषय है, तो वो लोग भी अपने आप को उस ढंग से जो है रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं कि हम अपनी आवश्यकताओं को जो है सही ढंग से प्रस्तुत कर पाएं, कि हम ये बता पाएं कि इस समय जो आवश्यकता है उसमें हम खरे उतर सकते हैं। तो इस कारण से भी कई बार जो है हमारा जो है फोकस जो है या हमारी जो रीच है वो उस तरह की नहीं हो पाती है जो हमारी एक्चुअल में होनी चाहिए। तो इसमें हम लोग कर ये सकते हैं कि हमारे एक हमने NirogStreet का वेद टूल करके एक सॉफ्टवेयर बनाया है जिसके हम कोई कॉस्ट नहीं लेते। बाजार में इस तरह के अगर आप टूल लेने जाएं तो 25,000 से लेकर 30,000-35,000 तक के वो मार्केट में मिलते हैं। इसमें आप अपने पेशेंट का रिकॉर्ड, बिलिंग, अपने क्लिनिक का पूरा डेटा, अपने पेशेंट की सक्सेस स्टोरीज, आप अपने पेशेंट का पूरा फॉलोअप रिकॉर्ड, हर चीज़ मेंटेन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपने क्लिनिक के पेशेंट्स की बिलिंग, उनके पूरे प्रिस्क्रिप्शन का रिकॉर्ड, वो सब वहाँ पर रख सकते हैं। आपके पास अगर GST नंबर है तो आप उसमें GST बिलिंग भी कर सकते हैं। और आप मार्केट में पता करिए और गूगल सर्च करके, तो ऐसे GST वाले जो सॉफ्टवेयर हैं 20,000 से लेकर 40,000-40,000 तक के होते हैं और हर साल उनका रिन्यूअल कॉस्ट है 5,000-10,000 तक का होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हम लोग NirogStreet की ओर से 100% कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं, इसका एक सिंगल रुपीज़ हम लोग चार्ज नहीं करते हैं। और इसका मकसद ये है कि हमारे डॉक्टर्स उस टेक्नोलॉजी का सही ढंग से इस्तेमाल करें। और इसमें एक और चीज़ जो लोगों के लिए कंसर्न आता है कि हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है उसमें वो अगर अपनी कोई चीज़ डालेंगे उसका डेटा का हम लोग मिसयूज कुछ कर सकते हैं, तो इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने इंडिया में जितने भी रूल रेगुलेशंस हैं, चाहे वो डेटा सिक्योरिटी काउंसिल का सर्टिफिकेट हो, चाहे या बिट क्रिप्शन करके हमारे पास सर्टिफिकेट हो, या SSL सर्टिफिकेट हो, या जो है ISO सर्टिफिकेशन हो, जो भी डेटा सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं वो सारे के सारे नॉर्म्स हम फॉलो करते हैं। और दूसरी एक और चीज़ है, जो हमारा सर्वर है वो दुनिया का सबसे बड़ा सर्वर हमने परचेज किया हुआ है, जहाँ पे हम लोग अमेजन का वो सर्वर है जहाँ पे हम सारा जो डेटा है वो वहाँ पे जाता है, हमारे इंटरनल किसी भी सर्वर में वो डेटा नहीं आता है। तो आपके पास जो पेशेंट्स का रिकॉर्ड या जो भी आप उसमें शेयर करते हैं वो तब तक किसी और के पास नहीं जा सकता जब तक कि आपका पासवर्ड और ID किसी के पास नहीं है। जैसे कि हम ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह करते हैं तो उसका कोई भी उसको यूज नहीं कर सकता तब तक कि जब तक वो किसी और के पास नहीं होता। ठीक इसी तरह से हमने अपने सॉफ्टवेयर को भी डिजाइन किया है कि जो डॉक्टर्स उसको यूज कर रहे हैं उसका एक्सेस सिर्फ और सिर्फ उनके पास ही रहता है तब तक कि जब तक कि कोई उनको वो अपना ID पासवर्ड किसी और को शेयर ना कर दें। तो सिक्योरिटी वाइज भी हमने उस फीचर को पूरा ध्यान रखा है, तो आप लोग निश्चिंत होकर उसमें सारा डेटा डाल सकते हैं। तो इसका एक बेनिफिट ये होगा कि हमारे पास फॉर एग्जांपल रीनल फेलियर के पेशेंट आ रहे हैं, हमने दिन में 10 पेशेंट, 20 पेशेंट या महीने में हमने 50-100 पेशेंट देखे, तो ऑटोमेटिकली एक डेटा कंपाइल हो जाएगा। आप उसको तुरंत के तुरंत डाउनलोड करना चाहें तो सॉफ्टवेयर में हमने एक ऑप्शन भी दिया है कि आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो सीट पूरी की पूरी आप डाउनलोड कर सकते हैं।
जहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि आपके पास उन पेशेंट्स में क्या क्या आप ट्रीटमेंट कॉमन कर रहे हैं, क्या सिम्टम कॉमन कर रहे हैं, और फिर आप वो स्पेस जो आपने सक्सेस स्टोरीज तैयार की वो एक तरह से केस रिकॉर्ड भी बन गए, तो उन केस रिकॉर्ड्स को आप सिस्टमाइज वे में फिर प्रेजेंट भी कर सकते हैं कहीं पर भी जाके। और इसके लिए आपको कोई भी एक कागज़ की ज़रूरत नहीं है, कोई मेहनत अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ कई लोग कहते हैं कि यार ये बहुत कठिन काम है ऑनलाइन वो लैपटॉप में टाइप करना या इसको फिल करना, इतना टाइम नहीं होता, पेशेंट बैठा होता है। तो अगर आप उसको एक बार हैबिट में लेके आएं तो मैक्सिमम 2 से 3 मिनट लगते हैं आप लोग उस सॉफ्टवेयर को डिटेल्स को जो है पेशेंट डॉक्टर पेशेंट की आपको फिल करने में। तो इतना आसान है और इतना सरल है। और इसका एक और बेनिफिट है कि आज गवर्नमेंट ने एक नया, कुछ दिनों पहले ही आप सभी जानते होंगे कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो है देश में लागू हो चुका है, उसके ऊपर गवर्नमेंट जो है काम भी कर रही है। कई स्टेट गवर्नमेंट ने उसको जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है स्ट्रिक्ट आगे मैंडेट भी कर दिया है। तो इस तरह की सिचुएशन में क्या है कि वो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट में एक क्लॉज लिखा हुआ है जिसमें ये बात कही गई है कि आज आपने कोई रोगी देखा, वो फिर आप दोबारा देखें या ना देखें, अगले ज़िंदगी में आपके पास ना आए, लेकिन उसके बावजूद भी आपको उसका रिकॉर्ड जो है अगले 7 वर्षों तक अपने पास रखना ही होगा। और सिर्फ रजिस्टर में नहीं रखना होगा, आपको ऑनलाइन भी रखना होगा। तो उस तरह की चीज़ों की जो रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट ने बताई है उन पैरामीटर्स पे भी हमने वो सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया है, तो वहाँ पे आप वो कर सकते हैं। फिर आपके पास अगर पेशेंट आ गया, पेशेंट आपने देख लिया, वो अगले 15 दिन बाद 20 दिन बाद आप उसे फॉलोअप के लिए बुला रहे हैं, तो इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप जो है उसको फॉलोअप पहले से ही सेट कर सकते हैं। उसको ऑटोमेटिकली एक दिन पहले एक रिमाइंडर मैसेज चला जाएगा और उसके माध्यम से आप जो है पेशेंट को अपने आप पता कर सकते हैं कि ये पेशेंट है जो अगला फॉलोअप का है, या पेशेंट को भी पता होगा कि यार डॉक्टर साहब के पास जो है मुझे दिखाने जाना है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं टेक्नोलॉजी से संभव है, इतनी सरल है और आसान है, और अपनी प्रैक्टिस को आप सरल बना सकते हैं, अपने रिकॉर्ड बिलिंग प्रिस्क्रिप्शन सारी चीज़ों को सरल बना सकते हैं। उसमें हम लोगों ने 2 चीज़ें और ऐड ऑन की हैं कि आप अपनी पूरी इन्वेंट्री सेव कर सकते हैं, जैसे कि आपके पास दवाइयों का स्टॉक रहता है तो अभी हम लोग 1 by 1 टैली करते हैं, ट्रैक करते हैं कि आज यार हमारे स्टॉक में ये दवाई कम हो रही है तो हम ऑर्डर लगा देते हैं। उस सॉफ्टवेयर से आपको एक ही जगह पे दिखेगा कि आपका स्टॉक कितना है, आपके पास क्या स्टॉक में कम हो रहा है, आपको क्या ऑर्डर मंगाना है, क्या नहीं मंगाना है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप अपने एक सिंपल एक क्लिक पे आप देख पाएंगे कि यार हमारे को ये ज़रूरत है, ये ज़रूरत नहीं है। और उसमें ये भी देख सकते हैं कि स्टॉक में ये ज़्यादा पड़ा है तो चलो इसको जो है किस तरह से निकाला जा सकता है, उस पर आप फोकस कर सकते हैं। तो आपकी कोई भी चीज़ जो है वेस्ट नहीं जाएगी और आप अपनी चीज़ों को बेहतर ढंग से मैनेज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग एक इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा, एक और बहुत बड़ी सिचुएशन, जैसे कि अभी एक क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है कि अभी हमारे हम लोग कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं, पेशेंट्स को हम मना कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में भी आप अपने पेशेंट्स को कम्युनिकेट कर सकते हैं। यहीं से बैठे बैठे जो है आप उन्हें बता सकते हैं, उनका रिकॉर्ड देख सकते हैं और उनको सही से सजेशन दे सकते हैं कि यार अभी फ़िलहाल आप ये चीज़ें कर लो, अगले कुछ समय तक आप इस तरह से अपने आप को मैनेज कर लो। उनको दवाइयाँ चाहिए हैं तो दवाइयों के लिए आप उन्हें बता सकते हो कि यार अपने लोकल में ले लो, नहीं तो आप खुद से भेज सकते हो। अब एक और चैलेंज है, अभी वर्तमान समय में अगले जो 10-15 दिन या हो सकता है कुछ लंबा भी खींचे, कि हम लोग कुरियर कैसे करें। ज़्यादातर कंपनियों ने जो है कुरियर जो है अभी भेजना बंद कर दिया है क्योंकि लॉकडाउन हो गया है, तो आप एक शहर से दूसरे शहर में जो भेजने के लिए भी कठिनाई है। तो उस स्थिति में भी, लेकिन अभी भी गवर्नमेंट ने जो है कुछ चीज़ों को जो है फ्री रखा है लॉकडाउन से। तो अगर आप हेल्थ केयर में हैं, आप एज ए मेडिसिन बताते हैं, तो कुछ कुरियर कंपनियां जो हैं अभी भी जो है उसकी सप्लाई कर रही हैं। तो जितनी भी लीडिंग कुरियर कंपनीज हैं ऑलमोस्ट वो सारी की सारी, अगर आप उन्हें बता देते हैं, प्रिस्क्रिप्शन उसमें साथ में देते हैं, तो अपने पेशेंट्स को आप कुरियर करके भी उन दवाइयों को पहुँचा सकते हैं। तो वो ऐसी सर्विसेज अभी भी जो हैं वो अवेलेबल हैं और वो काम हो रहा है उसमें। तो आप ऐसा ना सोचें कि आपके पेशेंट अगर आप तक नहीं आ पा रहे हैं, आप उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो फिर भी इन माध्यमों के थ्रू आप उन तक पहुंच सकते हैं, उन तक अपनी मेडिसिन जो है पहुंचा सकते हैं। तो इनका पूरा इस्तेमाल करिए। और दूसरी चीज़ जो है कि टेक्नोलॉजी को हम और किस तरह से यूज कर सकते हैं, तो एक बहुत बेहतर तरीका ये है कि हम लोग जो है आपस में कम्युनिकेशन बढ़ाएँ, आपस में जो है अपनी नॉलेज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। NirogStreet ऐप को भी इसी तरह से ध्यान में रख के हमने जो बनाया है कि आप लोग अपने वहाँ पे आके लर्निंग शेयर करें, आपको कुछ क्वेरीज हैं, आपको कोई डाउट्स हैं तो वो आके आप यहाँ पे शेयर करें।
तो इस तरह की चीज़ों को जो है आप ऐप पे आके कर सकते हैं शेयर, और उससे आपको भी लाभ होगा और दूसरों को भी लाभ होगा, इवन आपके बारे में भी कई सारे लोग जानेंगे। और आपके पास अगर कुछ ऐसी नॉलेज है, आपको लगता है कि आप किसी विषय पे बेहतर बोल सकते हैं, बेहतर लिख सकते हैं, तो आप हमें उनसे डायरेक्ट हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप मेरी प्रोफाइल में जाके मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या इस वीडियो पर आप अपना कमेंट कर सकते हैं, तो हम लोग इन सारी फैसिलिटीज़ को और ज़्यादा पुश प्रमोट करेंगे। और आप लोगों को शायद इसके ये भी हम लोगों ने ज़्यादा कहीं अनाउंस नहीं किया है, तो इसकी जानकारी बहुत ही कम लोगों को है कि निरोग स्ट्रीट की जो वेबसाइट है दुनिया में टॉप 50,000 के करीब जो है हम लोग पहुँच चुके हैं, जो कि अपने आप में बहुत अनूठी बात है कि मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स हैं दुनिया में, उनमें हम टॉप 50,000 में आ गए। और एक और विशेष चीज़ ये है कि हमारे वेब प्लेटफॉर्म पर डेली के 1,00,000 से ज़्यादा लोग जो है हमारे वेब प्लेटफॉर्म पर आते हैं और हमारे डॉक्स आर्टिकल्स जो कंटेंट है उसको पढ़ते हैं आके, और उसमें जो भी लोग कंटेंट डालते हैं, हम जो भी शेयर करते हैं, उसकी रीच भी जो है लाखों लाख लोगों में होती है। हमारे कुछ ऐसे वीडियोस हैं जो वायरल हो चुके हैं, जिनकी रीच 25-25 मिलियन की है। आप इस तरह से अगर आपका भी कुछ कंटेंट है और हमें आप वो देना चाहें, तो हम अपने प्लेटफॉर्म पर डाल लेंगे उनको, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि उस तरह की रीच आप सबको भी मिले। तो आप लोगों को जो एफर्ट है वो अपने से ना लगाने पड़े, और इसके लिए हमारी जो टीम है उस पर वो काम करती है और उसका बेनिफिट आप तक सब तक पहुँचे, तो इस तरह से हम लोग ये भी वर्क कर रहे हैं। इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज हो आपकी तो मुझे निसंकोच जो है आप लोग बता सकते हैं। अपने बिजनेस को और किस तरह से सिस्टमाइज करना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आजकल हम लोग करते क्या हैं कि हम लोग बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिस करते हैं जिससे पेशेंट का एक जो ट्रस्ट है वो कई बार हम पे नहीं बन पाता है। जिसमें कॉमन चीज़ हम ये करते हैं कि ओपन मेडिसिन हम लोग जो देते हैं, दूसरा अगर हम ओपन मेडिसिन भी देते हैं तो उनको देने के जो तरीके हैं वो इतने हाइजीनिक से नहीं दिखते, जिससे कि कई बार पेशेंट्स को जो है उसमें डाउट होता है। और आजकल हर कोई अवेयर होता है हेल्थ के मामले में, तो वो फिर क्या होता है कि धीरे धीरे जो है साइड कर देते हैं उस तरह के डॉक्टर्स को। तो कोशिश करें कि जब हम कभी ओपन मेडिसिन भी दें तो कुछ कंटेनर हो, उसमें प्रॉपर वे में स्टिकर हो, उसको सही ढंग से हम एक जो है मार्केटिंग करें, उसको सही ढंग से प्रेजेंट करें। जब मेडिसिन प्रिपेयर हो तो प्रॉपर जो मेडिसिन प्रिपेयर करने वाले पर्सन हैं वो हाइजीन का पूरा ध्यान रखें, हाथों में ग्लव्स पहने, सर के ऊपर कैप लगा के रखें। जब कभी हम दवाइयाँ ऐसे कुछ अपने यहाँ पे पीस भी रहे हैं तो रॉ ड्रग जो है हमारे पास जो हम लेके आते हैं उसकी क्वालिटी को हम मेक श्योर करें कि वो अच्छी है। और उसमें जब हम मेडिसिन बनाएं तो जिस तरह के रूम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, जिस ढंग से हमें उसको पीस के सही ढंग से फिल करना है वो करें। बाकी जो मार्केट से प्रिपेयर्ड मेडिसिन लेते हैं उसमें भी हम कोशिश करें कि जो पैक्ड मेडिसिन है वो ज़्यादा से ज़्यादा दें, ज़्यादा बेहतर ढंग से दें। इसके अलावा हम लोगों को पेशेंट्स को जो है प्रिस्क्रिप्शन जरूर देना चाहिए। प्रिस्क्रिप्शन की लैंग्वेजेस जो है हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग जनरली क्या करते हैं कि अपने क्लिनिक पे हम लोग प्रिस्क्रिप्शन जो है ज़्यादा नहीं देते हैं, या तो हम इसका इस डर से नहीं देते हैं कि हमारी जो मेडिसिन है वो मोनोपोली होती है, क्योंकि और आयुर्वेद में ये बहुत बड़ी समस्या भी है कि एक जगह आपने अगर कुछ लिख के दे दिया तो दूसरा पेशेंट ये नहीं सोचेगा कि उसकी प्रकृति अलग है, उसका शरीर अलग है, लेकिन वो नुस्खा के रूप में उसको उठा के हो सकता है वो ले ले। तो इसमें ये भी कर सकते हैं कि कुछ कोड वर्ड में, और अभी गवर्नमेंट ने एक नमस्ते पोर्टल बनाया है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं, तो उसमें डिसीजेस के नेम्स के जो है कोड वर्ड बना दिए हैं गवर्नमेंट ने, और आगे आने वाले टाइम में हम लोगों को उन्हीं कोड वर्ड्स में जो है डायग्नोसिस लिखनी होगी। तो आयुर्वेद के सम्मत या मॉडर्न के अकॉर्डिंगली जो भी ट्रीटमेंट, जो भी डिसीज का हम डायग्नोस करेंगे वो डायग्नोस हमें कोड वर्ड में ही लिखनी होगी। तो इसी तरह से हम अपने मेडिसिन के भी कुछ कोड वर्ड्स जो हैं वो हम बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास गिलोय सत्व होता है तो उसे हम गिलोय सत्व तो लिखें ही, या फिर उसको हम रसायन के नाम से लिखते हैं, रसायन औषधि के नाम से लिखते हैं, इस तरह के छोटे मोटे चेंजेस। या जैसे बराहकर्णी जो है अश्वगंधा को बोला जाता है तो बराहकर्णी हम लिख दें उसको, त्रिफला जो है त्रिसिद्धा के रूप में लिखा जा सकता है, तो या बराचूर्ण भी उसे बोला जाता है। तो इस तरह के जो और शास्त्र सम्मत नाम है वो ढूंढें, इसमें ये लीगल भी नहीं है, और शास्त्र सम्मत अगर नाम आप अपने प्रिस्क्रिप्शन में लिखते हैं तो वो भी ठीक है। दूसरा आपके लिए भी एक अच्छा रहेगा कि आपको याद रहेगा कि यार कब किस पेशेंट को क्या दवाई लिखी थी, तो उससे आपके लिए भी एक रिमाइंड करना, अपने आप को ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आप प्रिस्क्रिप्शन नहीं देना चाहे, वैसे लीगली हमें प्रिस्क्रिप्शन देने ही होते हैं, और अभी जो है कंज्यूमर फोरम भी इसमें जो है कई लोगों के ऊपर केस भी हुए हैं, तो प्रिस्क्रिप्शन देना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि प्रिस्क्रिप्शन आपको अपने पास संभाल के रखना है तो आप अपने सॉफ्टवेयर में डाल सकते हैं और उसका स्कैन कॉपी या फोटोस्टेट कॉपी जो है वो पेशेंट को दे सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों से हम लोग थोड़ा सा अपनी प्रैक्टिस को एक
लेवल अप ले जा सकते हैं। थोड़ा सा प्रेजेंटेशन का चूंकि जमाना है, अगर मैं सामान्य से शब्द में कहूँ तो आडंबर, कि चिकित्सा में जैसे आप जाते होंगे कई बार, और ये कई एक अलग सा मजाक सा भी लगता है कि कई बार हम लोग जाते हैं मेंटल हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे झूमर लगा हुआ है, एकदम चमचमाते हुए फर्श है, तो वो पागल तो उस झूमर को देखने नहीं जा रहा है, लेकिन और वो डॉक्टर भी उस झूमर को देखने नहीं आ रहा है, तो उस और जो उस पेशेंट्स के पे जो मरीज हैं या अटेंडेंट हैं वो भी उसको देखने नहीं जा रहे हैं, लेकिन चूंकि वहाँ पे एक इस तरह का माहौल दिखाना होता है, एक ऑरा क्रिएट करना होता है, एक आडंबर करना होता है, तो ये हमें आयुर्वेद के लोगों को भी करने की ज़रूरत है। और ये हेल्थ केयर में चूँकि हम हैं तो एक साफ सुथरा, एक हाइजीनिक सा, एक अलग सा जहाँ पे ऑरा सा नज़र आए, तो ये हमें ज़रूर अपने सेंटर पे करना चाहिए, और उसकी भी आज के समय के हिसाब से जो है थोड़े से बदलाव और आवश्यकताएं जो हैं वो हमें करनी चाहिए। बहुत सारे लोग करते हैं फ्री कंसल्टेंसी करते हैं, तो फ्री कंसल्टेंसी करें, लेकिन फ्री में भी हर चीज़ जो अगर आप फ्री फ्री दिखाएंगे तो आपको भी लोग फ्री फ्री समझ लेंगे, तो फ्री फ्री ना दिखा के आपको अपने आप को एक इस ढंग से दिखाना है कि आपकी अवेलेबिलिटी जो है, और फ्री में आप दिखाएं भी तो आपकी नॉलेज एक बहुत जो है वो अपने आप को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो अपनी नॉलेज अच्छी रखें और फिर वो फ्री वाले चक्करों में ज़्यादा ना पड़ें, क्योंकि फ्री से हो सकता है आप एक बार इकट्ठा लेके आ सकते हैं कुछ लोगों को, लेकिन अगर आपने सही ढंग से उनको मैनेज नहीं किया, सही ढंग से ट्रीट नहीं किया, तो वो दोबारा नहीं आएंगे, और फ्री के ही, और अगर आएंगे भी तो आप हमेशा वो फ्री की अपेक्षा लेके ही आएंगे, तो उससे क्या होता है कि हमें अपने जो बिजनेस है उसमें फिर बहुत सारी परेशानियां होती हैं, और एक धीरे 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 आपका एक पैटर्न सेट हो जाता है और लोग मान के बैठ जाते हैं फ्री वाला डॉक्टर है, तो वो फ्री के चक्कर में ही आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। तो कंसल्टेंसी का एक चार्ज रखें, और ये एथिकल भी है और लेना भी चाहिए, हम इसको डिजर्व भी करते हैं, तो वो लें, और अपनी मेडिसिंस को भी कॉस्ट जो है वो अनावश्यक कॉस्ट ना लें, लेकिन एक ऐसी कॉस्ट जरूर लें जिससे कि आपके लिए सर्वाइवल आसान हो और पेशेंट को भी लगे कि हाँ कि एक डॉक्टर के पास गए थे और वो कुछ लेके आए हैं, कुछ उनको सही ढंग से कॉस्ट भी लगी है, और ट्रीटमेंट को ट्रीटमेंट के वे में ही प्रेजेंट करना इम्पॉर्टेंट है, नुस्खेबाजी के चक्कर में ज़्यादा ना पड़े। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों ने कुछ एक सेट कर दिया और उसको दूसरे आदमी तीसरे आदमी को बता दिया है, हम लोग सोशल प्लेटफॉर्म्स पर डाल देते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारी प्रेजेंटेशन हल्की हो जाती है और सिस्टम को लोग गंभीरता से नहीं लेते, ये हम सभी जानते हैं, लोगों की प्रकृति, लोगों के तौर तरीके, उनके खान पान, उनके रोग, उनकी व्याधियाँ, ये हर चीज़ जो है डिफरेंट डिफरेंट है, देश काल हर चीज़ डिफरेंट डिफरेंट है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही हर एक के लिए मेडिसिन भी ऑब्वियस सी बात है कि वो डिफरेंट होती है, ये हम लोग समझते हैं, लेकिन जब हम लोग इस तरह से कुछ शेयर कर देते हैं तो कई बार क्या होता है जनरल पब्लिक के जो लोग हैं वो नहीं समझते हैं, जिसका कई बार दुरुपयोग होता है और उसके नुकसान भी होते हैं, तो इस तरह से अपने आप को सिस्टम को उस ढंग से ना प्रस्तुत करके अच्छे ढंग से बेहतर ढंग से हम लोग प्रस्तुत करें। और निरोग स्ट्रीट के थ्रू हम लोग जो है जो लगातार कर रहे हैं कि हमारे जो सामने चैलेंजेस आते हैं कि हमें सही ढंग से जो है प्रेजेंट नहीं कर पाते हम लोग, या हमारे सेटअप के लिए हम जो मार्केटिंग होनी चाहिए वो हम नहीं कई बार कर पाते हैं, या जो मेडिसिन हैं वो सही डिस्काउंट्स पे या सही तरीके से हम तक नहीं पहुँच पाते हैं, तो ये जो भी तरीके हैं इन सब तरीकों पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, और इसमें जो भी आपको हेल्प चाहिए या जिस तरह के भी आपको कोई और सजेशंस हों, कोई आइडियाज़ हों जो आपको लगता है कि ये और इम्प्लीमेंट होने चाहिए, तो वो हमें अवश्य बताएं और हम लोगों को आप गाइड भी करें और हम लोग जो ये कर रहे हैं उसको यूज भी करें, जिससे कि एक्चुअल में हम लोग मिलके जो है एक ऐसा सिस्टम तैयार करें, एक ऐसा कल्चर तैयार करें जिसे आयुर्वेद में एक गंभीरता से लिया जाए। तो एक और चीज़ भी अभी मेरे ध्यान में आई कि हम लोग जनरली क्या करते हैं कि हम लोग सब कुछ करने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे मेडिसिंस, बहुत सारे डिसीजेस पे काम करने की कोशिश करते हैं, जबकि प्रैक्टिकली देखा जाए तो हम सब कुछ नहीं कर सकते लाइफ में, तो हम एक दो डिसीज, चार डिसीज ऐसी कुछ सेलेक्ट कर लें जिसपे हमारी बेहतर कमांड है, जिसमें हम अच्छे ढंग से काम कर सकते हैं, जिसमें हमारी अच्छी समझ है, उस पे ही हम ज़्यादा बेहतर काम करें और उसको ही अपने आप को हम उस वे में हाईलाइट करें, तो आप देखेंगे कि उससे एक तो आपकी रीच बेहतर होगी, प्लस आप अपने आप को ज़्यादा बेहतर रिजल्ट दे पाएंगे। हमारा जो पेशेंट फ्लो है, जैसे एक बार पेशेंट आ गया दोबारा वो आना भी चाहिए, अदरवाइज अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं दिक्कत है, तो ये कई बार दिक्कत इसीलिए आती है कि हम बहुत सारी मिसलेनियस चीज़ें करने के चक्कर में, हम सब कुछ ट्रीट करने के चक्कर में बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं वो कई बार हमारे यहाँ से मिस हो जाते हैं, वो चले जाते हैं, एक बार आते हैं और फिर जिसमें हमारी एक्सपर्टी नहीं है हम उसमें भी ज़बरदस्ती कई बार ट्रीटमेंट कर देते हैं और पेशेंट्स को लिख के भेज देते हैं, तो उससे क्या होता है कि
पेशेंट को जब लाभ नहीं मिलता है तो वो दोबारा नहीं आता है, और ऊपर से बैड मार्केटिंग करता है, वो बैड कम्युनिकेशन करता है कि यार उस डॉक्टर को नॉलेज नहीं है या उसको सही ढंग से वो ट्रीटमेंट करना नहीं आता उस डिसीज में। और इवन कई बार ऐसे भी पेशेंट मिलते हैं जो 20-20 साल से उस डिसीज से सफ़र होते हैं और वो आके सामने बैठ जाते हैं, और कई बार हम गलत उनको कुछ बोल दें या गलत हम अपने को खुद ही नॉलेज नहीं है और हम उसको ज्ञान देने लग जाते हैं कई बार, तो उससे क्या होता है वो पेशेंट भी समझ जाता है कि यार इसको कुछ आता जाता नहीं है। तो हम उन्हीं डिसीजेस पे करें, 2-4 डिसीजेस पे करें, ज़रूरी नहीं कि हम सब कुछ लेके करें, हम उन पे ही करेंगे तो हमारे लिए बेहतर ये होगा कि हम अधिक से अधिक अपनी रीच बढ़ा सकते हैं और बेहतर ढंग से हम काम कर सकते हैं, एक स्पेशलिस्ट के रूप में खुद को हाईलाइट कर सकते हैं, और इससे क्या है कि पब्लिक के बीच में जब हम ट्रीटमेंट करेंगे तो उसके बेहतर परिणाम देंगे, जिससे रिपीट कस्टमर भी जो है हमारा ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, जो रिपीट पेशेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। तो इस ढंग से भी हमें एक चीज़ को ध्यान जरूर रखना चाहिए। टेक का इस्तेमाल अगर हम लोग नहीं करते हैं तो समझ लीजिए आप ज़माने में कम से कम 10 साल पीछे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है आज की डेट में एक ऐसा टूल बन गई है, और इससे हो ये रहा है कि आप नॉर्मल ऑर्गेनिक जो माउथ मार्केटिंग, जो पेशेंट टू पेशेंट मार्केटिंग है, या लोकल हम कैंपेनिंग वगैरह करके जो मार्केटिंग करते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा जो रीच मिलती है वो सोशल प्लेटफॉर्म्स या इंटरनेट या गूगल या ये जो टेक की चीज़ें हैं इनके थ्रू मिलती हैं। तो उसमें भी अपने एक्सपर्ट्स बनने की कोशिश ना करें। ज़्यादातर मैं देखता हूँ कई बार हमारे फ्रेंड्स जो हैं वो उन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, अपनी मार्केटिंग में लगे रहते हैं या अपने प्रमोशन पर लगे रहते हैं। उसके लिए आप जो है टेक के लोग हैं उन पर काम करने दीजिए। NirogStreet इसमें बहुत काम कर रहा है, उनके हमारे से कुछ हेल्प चाहिए तो आप हमें बताइए। अपने लोकल में टेक की बहुत सारी एजेंसीज होंगी, उनसे आप काम कर सकते हैं। कॉस्टली प्रोसेस है तो इस कॉस्टली प्रोसेस में ना पढ़ के उसको भी NirogStreet से भी हम इस मार्केटिंग में बहुत सारी चीज़ें जो है कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं अपने डॉक्टर्स को, इसलिए देते हैं। ये सब कॉम्प्लीमेंट्री देने का मकसद भी यही है कि हम लोग चाहते हैं कि डॉक्टर्स के ऊपर वो बर्डन ना पड़े, वो लोड ना पड़े, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो कॉस्ट को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। कई बार होता है कि हम लोग उस तरह की जो कॉस्ट आती है वो हमारे लिए बजट से बाहर होती है, और उसको मिस करने की वजह से हमारी जो एक्चुअल में रीच होनी चाहिए, जो हमारी एक्चुअल में काबिलियत है, वो नहीं हो पाती है। तो NirogStreet की ओर से हमारी कोशिश यही है कि हम लोग उस रीच को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, और उनकी जो एक्चुअल में काबिलियत है उसका वो पूरा का पूरा सदुपयोग कर सकें। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जो है लगातार कर रहे हैं, इसका आप उपयोग करें। अपने लोकल में जो आपके टेक के लोग हैं उनसे आप अगर हेल्प लेना चाहें उनको लें, तो जो एक्सपर्ट है उसी के ऊपर छोड़ दें, रादर देन कि खुद से ही सब कुछ करने की कोशिश ना करें। अपना फोकस जो है पर्टिकुलर किसी डिसीज पे रखें, स्पेसिफिक फील्ड में आप काम करें और उस पे ही आप लगें, और अपने रिकॉर्ड्स को तैयार रखें, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन जो हमें बार बार फेस करनी पड़ती है कि हम लोग फिर इससे इरिटेट होते हैं, हमें बहुत बुरा लगता है कि आज आयुर्वेद को यहाँ नहीं पूछा जा रहा, वहाँ नहीं पूछा जा रहा है, आयुर्वेद के बारे में कुछ बोला जा रहा है, तो इस सबके कारण कहीं ना कहीं हम भी हैं। तो हम लोगों को अपने रिकॉर्ड, अपने डेटा को जो है स्ट्रांगली सही ढंग से रखने की ज़रूरत है, और उसको सही ढंग से हमें प्रेजेंट करने की ज़रूरत है। ये हम तभी कर सकते हैं जब उसको सही ढंग से मैनेज करेंगे, और ये इतना कठिन नहीं है। आप NirogStreet का वेदर टूल जब यूज करेंगे आप देखेंगे कि इतना आसान है कि आप कहेंगे कि यार इस तरह की चीज़ हम पहले क्यों यूज नहीं कर रहे थे, इतना सरल है। और जैसे हम मोबाइल में कुछ ऐप खोलते हैं, कोई चीज़ करते हैं, वो उतनी ही सरल ये भी है। तो बस इसमें एक प्रैक्टिस बनाने की ज़रूरत है, तो उसका उपयोग करिए। इससे दो चीज़ें हैं, पेशेंट को भी अच्छा इंप्रेशन जाता है कि यार प्रिंट प्रिस्क्रिप्शन आता है, एक मेल आती है, एक मैसेज आता है, एक डॉक्टर को अपॉइंटमेंट लेना है तो उसके लिंक के थ्रू आप ले सकते हो, आपके पास भी एक मैसेज आ जाता है, पेशेंट पे भी मैसेज चला जाता है। तो ये सब चीज़ों का जो है एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है। और दूसरा क्या है कि आप सिस्टमाइज वे में अपनी हर चीज़ को मैनेज कर सकते हो बिना किसी हेडेक के, बिना किसी कॉस्ट के। तो ये सारी चीज़ों को हमें ज़रूर अडॉप्ट करना चाहिए। और अभी एक और अच्छी चीज़ हम लोग ऐड करें हैं इस सॉफ्टवेयर में कि हम लोग इसमें जो है इसको ऑफलाइन मोड में भी लेके आ रहे हैं, कि आपका अगर इंटरनेट ख़राब है, कोई ऐसी सिचुएशन है कि आपके सामने पेशेंट बैठा है, आपका सॉफ्टवेयर नहीं खुल पा रहा है, तब भी वो खुल पाएगा, वो ऑफलाइन मोड में आप उसको जो है यूज कर पाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें हम लोग जो है लगातार इन्हेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ में हम लोग एक और टैग के थ्रू भी कर रहे हैं कि हमने अभी एक आयुर्वेद ओलंपियाड पे कुछ काम करना शुरू किया है, जिसको हम लोग जो है 25 तारीख के या उसके बाद में जो है इसी 25 मार्च को जो है हम लोग उसे लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं, या 26 को हम लॉन्च कर देंगे। तो उसमें क्या है कि आप लोग पार्टिसिपेट करें तो आप बहुत सारी नई चीज़ों को सीख पाएंगे, बहुत सारी अलग अलग स्पेशलिटीज़ के जो है वीडियोज़ आपको देखने को सुनने को मिलेंगे, जैसे मर्म चिकित्सा है, पंचकर्म चिकित्सा है, या काय चिकित्सा की, ऐसे कई सारे अलग अलग विद्वान के जो है छोटे छोटे वीडियोज़ होंगे, उनके आप वीडियोज़ से अपनी नॉलेज इन्हेंस तो कर ही सकते हैं, साथ में आप जो है उनके क्वेश्चंस के आंसर करके भी कई सारी जो है गिफ्ट्स रिवॉर्ड्स वगैरह भी जो है वहाँ पे पा सकेंगे। तो इसमें हमें ज़रूर आप लोग हेल्प करिएगा, इसमें हम लोग इसको प्रमोट करने की
प्रमोट करें ही हैं, और इसको हम लोग जो है जल्दी ही लाइव करने के लिए जो है प्रयासरत हैं। उम्मीद करते हैं 25 से 26 तारीख तक जो है हम इसको लाइव कर देंगे। इसके अलावा भी आप लोगों के कोई सजेशंस हों, कोई आइडियाज़ हों तो ज़रूर हमें बताएं। कोई आपके क्वेश्चंस क्वेरीज हों, कोई डाउट हों, डायरेक्टली मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। हमारे पेज के थ्रू आप जो है मैसेज बॉक्स में हमें ड्रॉप कर सकते हैं, मेल आईडी पे हमें जो लिख सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों का पूरा सदुपयोग करें और समय के हिसाब से अपने आप को थोड़ा सा एनहेंस करें, मॉडिफाई करें, अपने सेटअप को मॉडिफाई करें, अपने बिजनेस के लिए उसकी जितना आप सेटअप पे एक इन्वेस्टमेंट करते हैं, जितना आप मेडिसिन पे कुछ खर्च करते हैं, उससे अधिक जो है आप मार्केटिंग के लिए भी कुछ पैसा जो है रखिए और उस पर भी एक खर्च करिए। नहीं आपको लगता है लेकिन उसमें हमारे लिए जो कुछ आपको लगता है वो हमें बताइए, तो हम लोग उसमें कुछ हेल्प कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों का सही ढंग से यूज करने की आवश्यकता है। अवेयर रहिए और कॉन्शियस रहिए। कई बार होता है कि हम लोग सोचते हैं कि यार ये करते हैं, हम कर भी सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम कई बार होता है यार चलो ठीक है देखते हैं, तो हम उस आलस के चक्कर में, चलो देखते के चक्कर में, उस चीज़ को निग्लेक्ट कर देते हैं या एक साइड में कर देते हैं, जिसके नुकसान हमें कई बार उठाने पड़ते हैं। हमें बिजनेस में उस तरह की रीच नहीं मिल पाती है या हमें खुद में अपनी वो रीच नहीं मिल पाती है जिसकी हम काबिलियत या हुनर रखते हैं। तो कॉन्शियस रहें, लगातार एफर्ट करें और अपने लिए हम एक ऐसा माहौल तैयार करें, अपने सिस्टम के लिए एक ऐसा माहौल तैयार करें जिसमें इसकी साइंटिफिकली इसकी वैलिडेशन हो, इसकी सही ढंग से एक पहचान हो। तो इस तरह की चीज़ों में हम सभी लोग मिलके जब करेंगे तभी होगा। अदरवाइज क्या होगा कि जो बाबा या कुछ भी लोग जो आयुर्वेद के नाम पे जो कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं या करते हैं, तो वो लोग जो है इसका एडवांटेज ले जाएंगे और हम एक्चुअल में इसके जो एक्चुअल लोग हैं, जो स्कॉलर्स हैं, जो इसके लिए अपना समय देते हैं, अपना टाइम देते हैं, अपनी पढ़ाई करके आते हैं, वो लोग इसका एक्चुअल एडवांटेज नहीं ले पाएंगे। तो हम लोग इसका एक्चुअल एडवांटेज ले सकते हैं और ये इतना कठिन नहीं है। तो यही सब चीज़ों की कोशिश है और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है इसमें बहुत अहम हो जाता है। और क्रिटिकल कंडीशंस में भी, जैसे अगर आज इमरजेंसी है, इमरजेंसी की सिचुएशन है कि चारों तरफ लॉकडाउन है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी के यूज़ से आप फिर भी अपने लोगों से, अपने पेशेंट्स से, अपने बिजनेस को कनेक्ट किए हुए हो, फिर भी आप जो है उसके थ्रू जो है कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ जो है कर सकते हो, अपने काम को आगे बढ़ा सकते हो। तो इन सारी चीज़ों को आप ज़रूर यूज करें और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को आज का ये सेशन जो है अच्छा लगा होगा। और कोई भी आइडियाज़, कोई भी क्वेश्चंस, कुछ भी आपका मन में आता है तो ज़रूर इस पोस्ट पे कमेंट करिए और हम लोग ज़रूर उस पे आंसर करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम लोग एक बेहतर आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकें और आप सबके भी लर्निंग से हम कुछ सीख सकें और उसके माध्यम से हम लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी रीच बना सकें, अपने सिस्टम को और बेहतर बना के सही ढंग से उसका प्रस्तुतिकरण कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूँ और जल्दी कुछ और नए टॉपिक पे, कुछ और नए डिस्कशंस के साथ, कुछ और नई चीज़ों के साथ हम सब आपके बीच में आएंगे। NirogStreet का ऐप जो है ज़रूर एक बार डाउनलोड करिएगा गूगल प्ले स्टोर से, और NirogStreet की जो भी सर्विसेज हैं उनमें आप जो भी आप हेल्प लेना चाहते हैं या जो भी आप उसमें यूज करना चाहते हैं वो ज़रूर हमें बताएं। नमस्कार, धन्यवाद।